परम धाम पधारने का दिन है, 47 वर्ष पूरे हो गए और ऐसे महापुरुषों की महिमा, उनके योग्य गुरुमुख जैसे दादू साहब की महिमा सुंदरदास जी साहब ने करी, इतने वो उनको प्यारे लगते हैं कि वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती। जो संत दया करके सत्यदेव से पधारते हैं, इतना उनका जगत के जीवों पर उपकार है और इतना वो सच्चा प्रेम जगत के जीवों से करते हैं कि उसकी कोई मिसाल नहीं है। रोम रोम उनका कृतज्ञ है, रोम रोम उन पर बलिहार है, अपना सर्वस्व, अपना आपा, अपना तन मन धन प्राण सब कुछ अर्पण कर दें, ये शीश उनके चरणों में भेंट कर दें, यानी अपना आपा अर्पण कर दें, तो भी उनका जो प्रेम है, जो उन्होंने प्रेम की दात दी, जो भक्ति दान दिया, भक्ति बीज हमारे घट में रखा और जो सत्य नाम का भेद दिया, उसका तो कोई प्रतिदान कुछ हो ही नहीं सकता। ये नश्वर शरीर, माटी का शरीर और ये चमड़े की जबान, उन महापुरुषों का जिनकी महिमा आश्चर्य है, अकय है, अनाम है, अलख है, अगम है, किसी भी तरीके से नहीं की जा सकती। और ऐसा दुर्भाग्य का दिन भी देखना पड़ता है कि जब महापुरुष जगत से पधार जाते हैं, अनंत समय से इस काल की भट्टी में, इस भवसागर की, ये बड़बूंजे की भट्टी है काल का भवसागर, इसमें हम लोग हमेशा से ही जलते बलते आ रहे हैं। वो मालिक दया करके स्वयं हम लोगों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए खुद यहाँ उतरते हैं, इस कीचड़ में, इस भवसागर में, मृत्यु के देश में, केवल प्रेमवश। और हम वापस उस प्रेम का, उनके प्रेम के लायक भी नहीं है, तो उनके बदले में न तो कोई सेवा कर सकते हैं, न हो कोई उनके प्रति, हमारे मन में सच्ची कृतज्ञता नहीं, सच्ची अदब नहीं, सच्चा आदर नहीं, पूरा विश्वास कहाँ है, उनकी आज्ञा का पालन कहाँ कर पाते हैं, तब भी वो अपनी तरफ से प्रेम करते हैं। तो सुंदरदास जी साहब फरमाते हैं, मेरा गुरु लागे मोहे प्यारा, जो इस दलदल में धसे हुए हैं, माया का दलदल अथाह है, जैसे बड़े भारी दलदल में एक सुई गिर जाए, कैसे निकाला जाए, चुंबक निकाल लेता है, तो उनके पास सत्य देश के सत्य नाम का, सतगुरु शब्द का चुंबक है, और उस चुंबक से इस माया के दलदल में से, गंदगी में से, वे हमारे जैसे जो गंदगी में, बंधन में, काल की कैद में, 84 के मकर जाल में हम फंसे हैं, हमें वो अनायास बाहर निकाल लेते हैं। उनके पास शब्द का खजाना है, शब्द का औजार है, शब्द की दात है, शब्द का उपाय है, शब्द ही उन, वो शब्द सतगुरु शब्द और सच्चे संत एक रूप है, यानी जो चराचर में, सृष्टि के कण कण में, जर्रे जर्रे में जो मालिक शब्द रूप होकर व्याप्त हो रहा है, वही मालिक हमारे घट में तीसरे तिल पर सतगुरु शब्द के रूप में विराजमान है। इसीलिए उनका नाम कंज गुरु है, शब्द गुरु को कंज गुरु भी महापुरुषों ने कहा है। तो शब्द सुनावे, भरम मिटावे, करे जगत से न्यारा, जगत याने माया, जगत याने संस्कृति, जगत याने आवागमन, जय याने जन्मना, गत याने नष्ट होना, जो जन्मने और मरने, याने जो पैदा होती है, उत्पत्ति होती है और प्रलय होती है, नष्ट होती है, इस रचना में जो जीव पड़ा है वो हम हैं, जगत के जीव हम सब ऐसे ही हैं। और वो आते हैं हमारे ऊपर दया विचार करके आते हैं, यहाँ कष्ट सहन करते हैं, हम लोग उनकी सेवा करने की बजाय दुर्व्यवहार भी कर देते हैं, जगत के लोगों ने, जिनमें हम भी शामिल हैं, हमने महापुरुषों को कई बार कितना सताया है, बाप जी साहब और माता जी साहब इसी राठौड़ी कुआ के रामदारा में विराजते थे, तो पत्थर फेंके गए, ये छपरा जो टीन का है तभी लगा 10-12 साल पहले, तो वो किस स्वार्थ से दुनिया में आए, किस स्वार्थ से नागौर पधारे, उनका क्या स्वार्थ था, केवल हम लोगों पर, क्योंकि हम उन्हीं की अंश हैं, हम भूल गए हैं, लेकिन वो मालिक नहीं भूलते, संतों को तो भूल है नहीं, वो जानते हैं कि ये हमारे ही पुत्र हैं, ये नादान हैं, ये तकलीफ पा रहे हैं, तो हमारे ऊपर द्रवित होकर के हमें प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए, हमें सच्चे मालिक से, सच्चे नाम से जोड़ने के लिए जगत में आते हैं, और दुख, तकलीफ, निरादर,
कष्ट सहन करते हैं, हमारे जैसा ऐसा गंदा शरीर जिसके रोम रोम से गंदगी बाहर निकलती है, जितने द्वार है वो तो गंदगी के नाले ही हैं और रोम रोम में से गंदगी निकलती है। शाम को भोजन करो तो सुबह बदबूदार हो जाता है, सांस निकलती है दातन एक दिन मंजन नहीं करें तो मुंह में से बदबू आती है, आंख में से गंदगी, नाक में से गंदगी। ऐसा गंदा माटी का पंच भौतिक शरीर केवल हम लोगों के भले के लिए हम लोगों पर दया करके धारण करते हैं और फिर आते हैं और हम उनकी बात स्वीकार नहीं करते। वे हमें सच्चे मालिक का, सच्चे घर का, सच्चे शब्द का सच्चा भेज देते हैं। वो हमें भेज देते हैं, हमें समझाते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हमारी सेवा करते हैं, हमारे दुख तकलीफ में हमारे ऊपर स्नेह का हाथ रखते हैं, हमारे कर्मों के बोझ को कम करते हैं। और जब हम उनके बताए हुए अभ्यास को नहीं कर पाते, हम जगत से पीठ दे करके शब्द में नहीं जुड़ते, अंतर्मुखी नहीं होते, बाहर मुखी रहते हैं, अधोमुखी हमारी प्रवृत्ति है, जगत में माया में विषय भोगों में बसना हमारी तासीर हो गई, तो वो हमें इससे उल्टा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जगत से पीठ देवे, कुछ दुनिया से, माया से, प्रपंच से, कुल कुटुंब से, शरीर के मोह से, बाकी तमाम ममत्व से, जितने ममत्व हैं धन में, संपत्ति में, कुल कुटुंब में, परिवार में, आल औलाद में, मान बढ़ाई में, इनसे अपना थोड़ा रुख मोड़ करके उनके चरणों में यानी शब्द में जोड़ना हमारे लिए दुखों से छुटकारे का एक उपाय है। वो ऐसा करना चाहते हैं लेकिन हम उनकी बात मान नहीं पाते, सुनते हैं समझ में भी, वो दया करके धीरे धीरे उनकी संगत में रहने से ये बात समझ में भी आने लग जाती है, तब भी माया से, जगत से हमारा मन हटता नहीं। तो क्यों नहीं हटता कि हम शब्द, वो उनके पास तरीका है शब्द का, उनके शब्द में लुक जाए, अंतर शब्द में, जो सत्संगी या जो उनका सेवक, जो उनका शरणागत और आगे आगे जो लोग हो गए बड़े बड़े, वो दुनिया से उन्होंने पीठ दे करके, दुनिया की तरफ से मुंह मोड़ करके जो अंतर अभ्यास में लग गए, केवल वे ही भरम से मुक्त होते हैं। शब्द सुनावे भरम मिटावे, करे जगत से न्यारा, यही उपाय है। हम उनकी शरण में आ गए, सत्संगी भी कहलाते हैं, अच्छी बात है, ये तो अपने लिए गर्व की है, अभिमान की है, खुशी की बात है, संतावना की बात है, ये बहुत बड़ा आश्वासन है कि हम उनके हैं, उनकी छाप लगी है, इसलिए इस तीन लोक में भी हमें रोकने वाला कोई नहीं। लेकिन फिर भी भरम भी तभी छूटेगा, जगत भी तभी छूटेगा, वो बाप जी प्रसन्न भी तब होंगे जब हम उनकी आज्ञा अनुसार उनके अंतर निज रूप में, शब्द रूप में लगेंगे। तो उनके पास यही साधन है, वो हमें इसी साधन का भेद देने के लिए आते हैं। बाकी तो मालिक की महिमा शास्त्रों में भी लिखी हुई है, संतों के वाणी वचनों में भी लिखी हुई है, हम सुनते हैं लेकिन वो असर नहीं करती। वो दुनियात्मक शब्द जो धुन रूप, अनद रूप होकर के जो अपने तीसरे तिल पर गुंजार कर रहा है, उसको पकड़ करके हम इस दुख से छूट सकते हैं। तो वो दया करके सत्यदेव से आए और उन्होंने ऐसा भेद दिया, और जो उस उनके इस नाम के अमृत को पीता है वो तो हम हैं काग, और जो नाम के अमृत को पीते हैं वो हैं हंस। इसी भजन में आगे है कि परम पुरुष से प्रगट आदु, शब्द सुबोध बाद में अलग खजीना लाया है ना, वो सत्यदेव से आए और उनके पास सत्य नाम का अखूट खजाना है, परमार्थ यानी सच्चा परमार्थ यही है, बाकी सब स्वार्थ है। जितना वेदों ने, शास्त्रों ने और ऋषियों मुनियों ने और सनातन धर्म की जितनी शाखाएं प्रचलित है और सनातन धर्म के बाहर जितने मत प्रचलित हैं आध्यात्म के, वो सब हमें क्या सिखाते हैं कि ऐसा करेंगे, फला तीर्थ नहाएंगे तो वो दोष समाप्त हो जाएगा, दुनिया में हमें जस मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा करेंगे, वेदों में लिखा है इतने प्रकार के यज्ञ हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, ये यज्ञ करते हैं 100 यज्ञ पूरे कर लेते हैं तो स्वर्ग मिल जाता है, इससे ज्यादा कोई यज्ञ का प्रभाव है तो स्वर्ग का राज यानी इंद्र की पदवी मिल जाती है, उससे ज्यादा भी जो सरगुण भक्ति वाले हैं वो अपने इष्ट के वो सदैव लोक को चले जाते हैं, सदैव मुक्ति पाते हैं, गो लोक, साकेत लोक, बैकुंठ, ये सब क्या है, ये मुक्तियों के धाम है, लेकिन ये भवसागर के पार नहीं है, जन्म मरण के पार नहीं है, काल के दायरे के बाहर नहीं है, माया की हद के अंदर है।
सारे तो देवताओं में ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, रात दिन देवताओं की आपस में भी और राक्षसों के साथ भी, पुराण गवाही देते हैं, भरे पड़े हैं पुराण इन कथाओं से कि सारे ही देवता इसी में तो पड़े हैं। वो जन्म मरण से पार नहीं हुए, विकारों से मुक्त नहीं हुए, राग द्वेष उनका नहीं छूटा। क्यों? कि वो सच्चे परमार्थ के रास्ते पर नहीं आए। सच्चा परमार्थ केवल संतों के पास है, जो सदगुरु कबीर साहब ने, जो बाद में संत हुए, नानक साहब, राधा स्वामी साहब, पलटू साहब, जगजीवन साहब, साधु साहब, बाप जी साहब, इन्होंने वो परमार्थ जगत में प्रकट किया। सतनाम कहाँ कहाँ पुराने शास्त्रों में मिलता है, सतनाम का वेद। और सतनाम यदि लिख दिया या मुंह से सतनाम या सतगुरु नाम का सुमरण कर लिया, ये तो सतनाम का मूल रूप नहीं है। सतनाम तो दुनियात्मक है, सतनाम तो विदेह है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। तो वो तो जीभ से जपने वाला नहीं है, वो तो धुन रूप है, गुंजार रूप है, चैतन्य की गुंजार रूप आवाज है। उसका भेद कौन सा शब्द दयाल देश का है, कौन सा काल देश का है, कौन सा बाप जी का शब्द है और कौन सा जगत में अटकाने वाला शब्द है, इसका भेद बाप जी के पास, सच्चे संतों के पास था। यही सच्चा परमार्थ है जिसमें आत्मा का भला होगा। हमारी आत्मा जो जीव दशा को प्राप्त हो गई है, ये जीव दशा से मुक्त होकर के आत्म ज्ञान में आकर के आत्मदशा को, और फिर सुरत रूप होकर के सत्य देश को जाएगी, बाप जी के चरणों में जाएगी। यही सच्चा परमार्थ है, बाकी तो सब स्वार्थ है। परमार्थ की आड़ में भी काल की और माया की ठगोरी है। तीर्थ ना लेंगे तो पुण्य हो जाएगा, शरीर का मेल नहीं छोड़ता। आज गंगा जी में नहाए तो कल तो शरीर वापस बदबू देगा। आत्मा के ऊपर चढ़े हुए विकार कम नहीं होते। मन में किसी के क्रोध है, गंगा जी मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ नहाने को, अगर मेरे मन में से क्रोध दूर हो जाए, मोह दूर हो जाए, ईर्ष्या निकल जाए। नहीं निकलती तो वो कहाँ है सच्चा परमार्थ, जिसमें इस सूरत जीवात्मा का कोई भलाई नहीं होता। परमार्थ तो वो है जो आत्मा के ऊपर चढ़े हुए मेल के आवरण को हटा दे, जो आत्मा माया के दलदल में फंसी है इसको निकाल ले, जो काल की कैद में है, 84 के कैद खाने में है, नरकों के यातना कुंड में सताई जा रही है, वो जीवात्मा जिस शब्द की ओठ लेवे और फिर काल की घात से बाहर हो जाए, वो है सच्चा परमार्थ। वो सच्चा परमार्थ संत लेकर के पदार्थ है, और वो दया करके हमें यही चाहते हैं। ऐसा आप आदेश दे गए अपने बाप जी साहब के, तो और सभी संतों के वाणी वचन भी प्रमाण है, बाप जी साहब के वचन प्रमाण है, टेप में है, किताबों में है, हम सब ने सुन रखा है, भूलते क्यों है? उनके वचन तो दिमाग में गूंजने चाहिए। अभी तो 47 वर्ष हुआ है, जिन्होंने उनके मुखारविंद से सुन लिया है, उनके तो वो बातें दिमाग में गूंजनी चाहिए। वो संतों के अनमोल वचन क्या है, जो अनामी पुरुष है, जो सच्चे मालिक है, जो परम पुरुष है, उनकी मौज, उनकी आज्ञा संतों के मुखारविंद से हमारे सामने प्रकट होती है, हम तक पहुंचती है। उनके वचन कितने अनमोल हैं। यदि एक वचन को सच्चे तौर पर धारण कर लें तो हम काग से हंस हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे, और जो जो आगे हो गए वो इसी तरह से हुए हैं। बाबा जयमल सिंह जी साहब ने फरमाया, जिन्होंने व्यास में राधा स्वामी साहब के मत को आगे बढ़ाया, संत मत को, वो बाबा जयमल सिंह जी साहब फरमाते हैं कि गुरु के वचन ही परमार्थ है। यदि गुरु आज्ञा दें, यदि गुरुदेव घास छीलने की आज्ञा दे दें और उम्र बरसी से घास छीलता रहे, तो यही परम पद है, ऐसा उन्होंने फरमाया है। ये महापुरुषों का अनुभव बोलता है, हम तो उनके वचनों की कदर नहीं करते, बोलते हैं कि ये तो बाप जी ने ऐसे ही कह दिया होगा, या कह दिया तो सोचते हैं पालन नहीं होता। जब किसी को याद दिलाने का अपना फर्ज नहीं है, वो तो बाप जी उनके घट में याद दिलाएंगे। यदि भूल से याद दिला दे तो लोग कहते हैं कौन कौन से वचन का अपने पालन किया। यही हमारे मन का धोखा है। लेकिन सच्चा परमार्थ उनकी आज्ञा में है, आज्ञा पालन में है, उनके वचन में है। सतगुरु वचन, वचन है सतगुरु, जैसे आज देह रूप से वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन वचन रूप से है और शब्द रूप से घट में मौजूद है और निज रूप से सतधाम में मौजूद है। वो कई जन्म मरण में तो कभी आए ही नहीं, जन्म ही नहीं हुआ तो फिर जाने की कोई बात ही नहीं है। अपनी मौत से प्रकट हुए, जैसे कहीं का महाराजा है, मालिक है, शासक है, सबका मालिक है, अपनी इच्छा से कहीं टूर पे जावे और वापस लौट के अपनी राजधानी में आ जावे। अपनी इच्छा से तो राजा, बादशाह, सम्राट जेल खाने में भी पधार सकते हैं, मुआयना करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, कैदियों पर दया करके, रहम करके उनको छोड़ने के लिए।
जेल में भी पधार सकते हैं, लेकिन वो जेल में इस समय वो भी खड़े हैं और अपन भी जेल के अंदर बंद हैं, तो अपनी और उनकी हैसियत तो अलग अलग हो गई है, तो वो भी जेल में जेल खाने के अंदर उनके भी चरण पड़े हैं, लेकिन वो हमें छुड़ाने के लिए आए हैं और हम यहाँ हमारे अपराधों की सजा भुगत रहे हैं। यदि उनके वचनों का पालन कर लें, यदि उनको प्रसन्न कर लें, तो इस कैद खाने से हम भी छूट सकते हैं। छुड़ाने के लिए तो वो आए ही थे, उनको सच्ची खुशी भी तब होगी कि जब हम जेल से छूट जाएं और उनकी गोद में पहुंच जाएं। यही उनको प्रसन्न करने का काम है, और क्या उनकी सेवा करेंगे। जैसे अपन आज सुबह आरती बोलते हैं, माताजी साहब की आरती में है कि सेव्य शंकर आपकी सेवा कैसे की जा सकती है, सूरत का शब्द के साथ संग करके ही आपकी सेवा की जा सकती है, और कोई तो तरीका ही नहीं है आपकी सेवा करने का। क्या दो रोटी बना करके उनको भोग लगाने की से उनकी सेवा हो गई, यहाँ के अन्न के वो पाबंद थे, उनकी आवश्यकता थी। जो जगत के चराचर के स्वामी हैं, कुदरत की तमाम शक्तियां जिनसे शक्ति प्राप्त करती है, ऐसे सर्व से शक्ति ईश्वर सत्य देश के मालिक सत्य पुरुष सदगुरु दयाल जब जगत में आते हैं तो वो संत सदगुरु कहलाते हैं। वो क्या हमारी सेवा के मोहताज हैं, उनको क्या हमारी सेवा की आवश्यकता है। हम माया की बेहोशी में बेहोश हैं और वो निर्बंध आजाद हैं। क्या एक बेहोश आदमी आजाद जो उनकी बेहोशी की दवा करने के लिए डॉक्टर साहब आए हैं, उन डॉक्टर और हकीम और वैद्य जी का बेहोश आदमी सेवा कर सकता है। बेहोश तो अपने होश में नहीं, झाग आ रहे हैं हमारे मुंह में से, तो काल का विष इतना चढ़ा हुआ है, विषयों का विष इतना चढ़ा हुआ है कि हम तो मरनासन्न हैं, बेहोश हैं, हम क्या सेवा करेंगे। ये जो सेवा का अहंकार है ये तो बिल्कुल झूठा है। ये तो वो प्रेम के वश हमारे तन मन धन और हमारी सूरत को पवित्र करने के लिए सेवा बख्शते हैं और फिर प्रेम से कबूल करके हम पे खुश होते हैं। इसमें उन्हीं का उन्हीं की महिमा है, उन्हीं का ये प्रताप है, कृपा है कि हमसे भी कभी सबरी के यहाँ भगवान गए और झूठे बेर भगवान ने प्रेम बस खाए। क्या भगवान सबरी के प्रेम के बेरों के मोहताज थे, भूखे थे, आवश्यकता थी, जरूरत थी, उनको मिलता नहीं था। मान लो वो भगवान पारब्रह्म परमात्मा निरंकार पुरुष के स्वामी जगत में आए, अनंत त्रिलोकी नाथों के नाथ, उनकी एक एक किरण, एक एक ओंकार ब्रह्म जिसकी सीमा नहीं, बार पार नहीं, ऐसे प्रभु जब जगत में आए, अगर उनके उस प्रभु रूप को छोड़ दें तो वो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे। एक जंगल में कुटिया में रहने वाली भीलनी के वेर खाना उनके लिए जरूरी नहीं था, लेकिन प्रेम के वश खाए। भीलनी के प्रेम, भीलनी का जो प्रेम था, बरसों की जो तपस्या थी, बरसों का इंतजार और पिछले कई जन्मों की उनकी तपस्या, उनके गुरुदेव की जो अपने गुरुदेव की जो उसने सेवा की, उनके आशीर्वाद के फल स्वरूप भगवान पधारे और उसकी सेवा कबूल की। तो संत तो जगत में हम लोगों पर इस तरह दया करने के लिए आते हैं। हाथरस के सतगुरु तुलसी साहब जी ने फरमाया है कि यदि जगत के जीव प्रेम से एक लोटा पानी सच्चे संतों को प्रेम से पिला दे तो उस जगत के जीव के भाग्य खुल गए। तो इस तरह से परमार्थ बांटने के लिए, प्रेम बांटने के लिए, और हम प्रेम का पाठ पढ़ना जानते नहीं तो जगत में आकर के पहले हमसे प्रेम करते हैं और हम उनके प्रेम के बदले में प्रेम करना नहीं जानते। हम अपने मुक्तिदाता को पहचानते ही नहीं है, हम तो उनसे खोड़ेलाई भी कर लेते हैं, हम तो मूर्खता में आकर के उनके ऊपर अभाव भी ले आते हैं और कभी कभी नादानी में उनको उनके अदब के खिलाफ भी आचरण कर देते हैं। फिर भी वे दयालु है, हमारे अवगुणों को कभी उन्होंने न तो देखा, न आज देख रहे हैं, न कभी भविष्य में देखेंगे। ये तो उनका विरुद्ध नहीं है, यदि वो हमारे अवगुण देखने लग जाए तो जगत का कोई जीव कभी नहीं तरेगा, कभी तर ही नहीं सकता। तो वो जगत के जीवों के हमारे अवगुण नहीं देखते, परमार्थ लेकर के आते हैं और जगत में वो खजाना बांटते हैं। उनके पास नाम का, सतगुरु नाम का अखूट खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता, जिसके ऊपर काल का कोई बस नहीं चलता। माया और मन और उसके विकार जो चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो उसे चुरा नहीं सकते और वो राम बाण है हमारे सब विकारों का, बीमारियों का, दोष का, दुख का, दुख से छूटने का उपाय वही।
काल की कैद से छूटने का उपाय वही, जन्म मरण से के चक्र से बाहर होने का उपाय वही, संस्कृति के जंजाल से, नरकों के यातना कुंड से, 84 के जेल खाने से बाहर आने का उपाय भी केवल सतगुरु शब्द, जो खजाना बाप जी लेकर के आए और हमें देना चाहते हैं और हम सच्चे मन से लेना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि काहक बुद्धि है। जिन्होंने लिया वो तो हंस हो गए, हमारे जैसे थे वो भी, लेकिन उनके ऊपर दुर्देश से दया हुई, संतों के कृपा पात्र थे, उनके मन ने साथ दिया, उनका सुंदर समय आ गया, उन्होंने उन गुरुदेव के चरणों की शरण लेकर के सतगुरु नाम का अंतर्मुख घट का अभ्यास किया, सुरत शब्द योग का साधन किया, घट में उस सत्य देश से आने वाली चैतन्य धुन की गुंजार यानी सतगुरु शब्द को ग्रहण करके वो हंस हो गए। परमार्थ ले जग में आया, अलग खजीना लाया, बांट बांट सब हंसा खाया। किसने खाया? वो सबको देना चाहते हैं। जिन्होंने खाया वो तो हंस हो गए, और हमने नहीं खाया तो हम अभी भी कहा गई हैं। अभी हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, लोभ सताता है, मोह सताता है, अहंकार है, काम है, राग है, द्वेष है, तृष्णा है, ईर्ष्या है, दंभ है, पाखंड है, सुख दुख है, क्या नहीं है हमारे अंदर? सारे अवगुण अभी उतने ही भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हंस नहीं हुए। क्यों नहीं हंस हुए? कि बाप जी का जो अलग खजाना था वो लिया नहीं, लेकिन अभी भी उपलब्ध है। अभी भी थोड़ा दुनिया से, जगत से, बल्कि शरीर से, शरीर के आराम से और शरीर के मान बढ़ाई से और शरीर के प्रति जो ममता है उससे, कुल कुटुंब के प्रति जो ममता है उससे, धन संपत्ति से, कारोबार से, संतों ने ऐसा तो कभी नहीं कहा कि पेट भरने के लिए कोई उद्यम मत करो, दूसरों की सेवा मत करो। पेट भरने के लिए ईमानदारी से, नेक तरीके से उद्यम करें, अपना पेट भरें, अपने आश्रित जनों का पालन करें, साधु संतों की सेवा करें, लेकिन उलझे नहीं, प्रपंच का विस्तार न करें, थोड़े में गुजारा करें, थोड़े लोगों से संबंध रखें, जगत में पसारा न हो। पसारा तो काल का एक इतना बड़ा जटिल हथियार है कि इससे वो काल हमें फांस लेता है। जगत में भी, प्रपंच में फंसे हुए, परमार्थ में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी राजनीति शुरू हो जाती है। तू नहीं, मैं बड़ा, वो दूसरा कौन होता है, हम चलाएंगे। हाँ भाई, ये बढ़िया काम है, आप लोगों की शोभा ही देता है, करो। बाप जी यदि परमार्थ देंगे, जब दया करेंगे तब देंगे, तब तक दुनिया से तो थोड़ा कम करके रखें। कट के मैदान को जो गंदगी भरी है उसको खाली तो करें थोड़ा। बाप जी आएंगे तो बिराजेंगे कहाँ उस गंदगी में, जहाँ राग द्वेष भरा है, प्रपंच भरा है, राजनीति भरी है, काम क्रोध लोभ मोह, राग द्वेष तृष्णा पाखंड दंभ कुटिलता कपट, क्या क्या हमारे अंदर नहीं है। तो ये पहले कम करें और फिर बाप जी की सच्ची शरण ले। सारे रिश्ते नाते, दूसरे जितने इष्ट हैं जगत में कई होंगे, हमें क्या मतलब? हमें तो जो साक्षात सामने मालिक गुरुदेव के रूप में विराजमान थे उनको तो अपना शीश अर्पण किया नहीं, उनके शरण ली नहीं, दूसरे को कहाँ खोजना जाएंगे जो पुराने समय में हो गए। पुराने समय में तो धन्वंतरी जी जैसे वेद भी हो गए। हकीम लुकमान की ये कुव्वत थी, ये ऐसा उनमें जोर था कि जिस दवा के बर्तन पर हाथ रखते थे वो दवा कुदरती तौर पर बताती थी कि भाई मेरा ये गुण धर्म है, दवा बोल के बताती थी। ऐसा उनका प्रताप था, तेज था। हम सोचे कि आज हम बीमार पड़ जाएं, हम हकीम लुकमान से इलाज करवाएंगे, तो इलाज नहीं होगा। हकीम तो चले गए, धन्वंतरी जी चले गए। आज उनकी विद्या जिनके पास है, उनकी उन बेदराज जी को जो अपने गली के नुक्कड़ पर बैठे हैं, उनके पास जो ज्ञान है वो धन्वंतरी जी का ज्ञान है। उनसे हमारी अपन बुखार का इलाज करा सकते हैं, बच भी सकते हैं, लेकिन सोचा है कि नहीं, हम तो धन्वंतरी जी से ही करवाएंगे तो मर जाएंगे, धन्वंतरी जी तो आने से रहे। इसी तरह से पुराने संत आए, वो साक्षात मालिक रूप थे। कबीर साहब साक्षात मालिक ही जगत में आते हैं और संत मत का प्रवर्तन करते हैं, जगत में संत मत जारी करते हैं। एक बड़ी भारी नदी हो और उसको तैर करके पार करना हो और चींटी इस किनारे हो तो उस किनारे कैसे जाएगी? गंगा जी के जा सकती है क्या? तीन काल में नहीं जा सकती। लेकिन यदि उस मुल्क का राजा नदी के उस पार जाना चाहे तो वो क्या करेगा? राजा साहब समर्थ हैं, एक पुल बनवा देंगे। उस पुल के ऊपर चढ़ करके राजा तो पार हो गए और वो पुल आज भी बना हुआ है, चींटी भी धीरे धीरे पार हो जाती है। कबीर साहब आए जगत में,
शब्द का जहाज चला दिया। सब संत आए बाद में उसी नाव को खेते रहे। अनेक जीवों को जो उनकी शरण में आए उनको उस नाम के जहाज पर बैठा करके सत्य देश में काल की नदी के पार पहुंचा दिया। वो पुल तो आज भी कायम है जो उन्होंने संत मत जारी कर दिया, वो आज भी कायम है और उन गुरुदेव की बलियारी है जो जगत में आए और हम जैसे जीवों को भी इस संत मत में ले लिया। हम किस लायक हैं, कभी लायक हो भी नहीं सकेंगे, लेकिन उन्होंने अपने विरुद्ध से हम पर दया विचार करके हमारे दुखों पर द्रवित होकर के आए और आकर के उसी शब्द की जहाज पर बैठा लिया, उस नाव पर बैठा लिया। अब हमारा फर्ज है कि अपना आपा त्यागें, उनकी सच्ची शरण लें, उनको अपना सच्चा एकमात्र हितकारी, जीव के स्वामी दो तो नहीं हो सकते, चार नहीं हो सकते, अनंत नहीं हो सकते, एक होगा। 17 इष्ट होंगे तो स्वामी कौन है हमारा? हमारे घर की बहन बेटी होती है उसकी कहीं शादी कर देते हैं, ससुराल में 50 रिश्तेदार हैं, सबकी इज्जत करती है, सबकी सेवा करती है, लेकिन उसका मालिक स्वामी तो कोई एक ही होता है। तो इष्ट व्रत तो पतिव्रत के जैसा ही है, ऐसा सब संतों ने फरमाया, बाबजी साहब फरमाते थे, सब उनके मुखारविंद से सुने हुए। तो एक इष्ट का पक्का भरोसा रखें। अब तिरेंगे तो बाप जी के तारने से और डूबेंगे तो मंजूर है, दूसरे इष्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए, यह प्रेम के पंथ का उल्लंघन है। रामायण में तुलसीदास जी ने इसका बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। पार्वती जी से सप्त ऋषि जाकर के कहते हैं कि अरे बेटा, शिव जी के लिए तपस्या कर रही है, वो तो नंगा उगाड़ा रहता है, आग दतुरा खाता है, भूतों के बीच में रहता है, उसका कोई घर बार ठिकाना नहीं है, पहले जिसके शादी हुई थी उस सती को यज्ञ में मरवा दिया, वहां कहाँ जाती है तू? तेरा हम विष्णु भगवान से शादी करवा देंगे, जिनकी जिनका जस वेद गाते हैं, जो त्रिभुवन पति है। तो पार्वती जी ने कहा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बारहू शंभु न तुरहु कुमारी। के मुनियों आपने अच्छी शिक्षा दी, लेकिन मैंने अब ये जन्म शंभु हित हारा, को गुण दूषण करे बेचारा, मैंने अपना जन्म शिव जी के लिए अर्पण कर दिया है, अब गुण दोष कौन देखता है, बड़ा कौन छोटा कौन, उससे कि मुझे क्या मतलब, मुझे तो शिव जी से मतलब है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, यानी करोड़ों इस जन्म में शिव जी मिले कि अगले जन्म में मिले कि करोड़ जन्म में बाद में मिले, मैं तो या तो शिव जी से विवाह करूंगी या कुंवारी रह जाऊंगी। यह इष्ट व्रत का नमूना है। परमार्थ की सारी बातें, संत मत के सारे सिद्धांतों का गोसाई तुलसीदास जी ने रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन किया है, कथा की ओट में किया है, इसलिए पार्वती के मुख से ये बात कहलाई है। तो ये हमारा फर्ज है, ये प्रेम के पंथ की ऊंची मर्यादा है कि या तो एक बाप जी और दूसरा और कोई नहीं, स्वामी तो एक होता है, अनेक थोड़ी होते हैं। तो बाप जी की सच्ची शरण लेवे, दीनता के साथ लेवे, प्रेम अंग के साथ लेवे, बाप जी हमारे हाजिर नाजिर हैं। आज की तारीख का ताजा हुक्म है, अब मुंह पे आ गई तो कह देता हूं, मर्यादा तो शायद टूटती होगी। बाप जी ने फरमाया है कि डरो मत, माता जी साहब का आदेश है कि आज मुझे लगता था कि ये काम जो रुका हुआ ये पूरा होगा कि नहीं होगा, आज बाप जी की बरसी का दिन है, नागौर में बड़ा उत्सव होता है, उसको छोड़ करके सत्संग करने भी कैसे जा पाएंगे, शायद जावे तो हमारे समाज में कई लोग कह देते हैं ये बीच में ये बिघन डालने वाला उल्टा काम हमेशा ही करता है, क्या करें। मन में मैंने अपने मुंह से किसी को नहीं कहा कि आज यहाँ चलना है, और बाप जी की दया देखिए कि सब उत्साह से आ गए। और अब बाप जी का हुक्म है, जो कह देता हूँ गलती होगी तो बाप जी क्षमा करेंगे। बाप जी ने कहा चिंता मत करो, काम बहुत अच्छा सफल होगा, स्वामी जी की बड़ी दया है और तुम पर हर समय दया की नजर है, बाप जी ने तो तुम लोगों को अपनी गोद में ले रखा है, डरते क्यों हो? तो ऐसा न तो मैं हूं न अपन सब हैं, ये उनकी कृपा है, जो मालिक संत रूप में पधारे। सुंदरदास जी फरमाते हैं, परम पुरुष ते प्रगट आदु, शब्द सुनाया नादु, सुंदरदास मेरा गुरु दादू, दादू आदु अनादु। वे वही परम पुरुष, जगत में परम सत्ता तो एक ही है, परम तत्व तो दो नहीं हो सकते, असीम अपार अनंत दो कैसे हो सकते हैं, दो होंगे तो अनंत कैसे होंगे, एक ही तो अनंत हो सकता है। तो सच्चा मालिक तो एक ही है जीव का, बाकी जो रचना में दूसरे धनी हैं, देवी देवता हैं, ब्रह्म पार ब्रह्म है, ये सब रचना में उनके नियुक्त किए हुए अधिकारी हैं,
ये तो उनके बताई हुई सेवा करते हैं, जगत का संचालन करते हैं, भवसागर की सृष्टि का नियमन संचालन करने की उनकी ड्यूटी है। हमारी आत्मा का स्वामी कौन होगा? आत्मा का स्वामी तो वो सत्यदेव का धनी है। ये जीवात्मा जो सनातन धर्म के फिरके हैं वो भी मानते हैं कि जीव आत्मा सत्य की अंश है, तो जो सत्य पुरुष सदगुरु दयाल है वे ही जीव के स्वामी है। जीव के स्वामी बाकी के हमारे ऊपर अफसर हो सकते हैं लेकिन हमारे मालिक थोड़ी है। ससुराल में जेठ है, देवर है, ससुर है, काकी ससुर है, मम्मिया ससुर है, सारे हैं, वो सारे आदरणीय है, हमारे ऊपर उनका भी हुक्म चलता है जो रचना के अधिकारी हैं, लेकिन हमारे स्वामी स्वामी तो एक ही होगा। तो जो परम पुरुष है वो ही सत्य पुरुष है, वे ही हमारे स्वामी है, और उन्हीं से वही दया करके जगत में संत रूप में, कबीर साहब के रूप में, बाप जी साहब के रूप में, माता जी साहब के रूप में वो प्रकट होते हैं, और वे जगत में जब देहधारी हैं तो वो संत सदगुरु हैं। जिस जीव पर उन्होंने दया करी, जिसको सत्य देश का भेद दिया, जिसको अपना सेवक कबूल कर लिया, जिसको अपनी शरण प्रदान कर दी, उनके वे गुरु हो गए। सुंदर दास मेरा गुरु दादू, तो गुरुदेव का रूप क्या है? दादू आदू अनादू, वे देह रूप में गुरुदेव हैं। जगत में संत मत को आगे बढ़ाते हैं, सत्य नाम का भेद जगत में जाहिर करते हैं, काल की घात से जीव को बचाते हैं, सत्य नाम की ओट हमें प्रदान करते हैं, वे संत सदगुरु रूप में हैं। और आदि पुरुष कौन है? आदि पुरुष मालिक का आदि रूप सत्य पुरुष का रूप है। अनादि रूप में वे निज मालिक है, अचरज अके अनाम है, अनामी धाम में अनामी पुरुष है। तो दादू आदू अनादू वे ही दादू साहब है, वे ही आदि पुरुष सत्य पुरुष है, वे ही अनादि पुरुष निज मालिक सत्य मालिक अनामी धाम में जो विराजते हैं, जो धाम ही नहीं कहला सकता, जो रूप ही नहीं कहला सकता, जिनका किसी तरह से वर्णन नहीं किया जा सकता। तो अपना बाप जी का ऐसा स्वरूप है, ऐसे बाप जी का आज निर्वाण दिवस है, उनकी कृपा से उनके लाडले उनके प्यारे जो हंस रूप हो गए, ऐसे सत्संगी बड़े आदरणीय इस जंगल में, इस रेगिस्तान में, ये पास में अपने छोटी सी गुफा है, और 7 फुट के तो भगत जी लंबाई के थे, अपने लिए छोटी सी गुफा बनाई, उसमें लंबे पांव करके पूरी तरह से सो ही नहीं सकते, और यहाँ एकांत में दीन हीन छोटे बन करके, जो बाप जी के सच्चे सेवक हैं वो छोटे नहीं है, कुदरत उनकी सेवा में तैनात है, लेकिन वो अपनी धारणा में दीनता अंग धारण करके, प्रेम अंग धारण करके यहाँ बैठ करके उन्होंने शब्द का अभ्यास किया, तो ये उनकी साधना स्थली हो गई। चाहे काल के कितने विघ्न आ जाए, 7-8 साल पहले भी यहाँ पे समाधि बनना शुरू हुआ, विघ्न आ गया। क्यों आया विघ्न? हमारी अपनी गलती से आता है, हमारे अंदर उतनी नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, हमारे अंदर उतनी ग्राह्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, तो हम जो काम शुरू करते हैं अपने बलबूते पर करते हैं, तो काल तो बिगड़ लिए, हमारे कर्म तो तैयार खड़े बिगड़ लिए। बाप जी दया करते हैं तब बचते हैं, बाप जी की दया का सिलसिला तभी जुड़ता है जब हमारे अंदर दीनता हो, बाप जी को मुख्य रखें, हम अपने आप को कर्ता न समझें। तो बाप जी की बड़ी दया है जो उन्होंने हमारे अवगुणों को क्षमा किया, और आज दया करके अनायास इस काम को वापस शुरू कर दिया। मुझे भरोसा है कि अब काम पूरा होगा, आपका अमोघ आशीर्वाद हमें मिल चुका है, वे ही दया करके कराएंगे। फिर भी मेरी प्रार्थना है कि अहंकार से बचें, कर्तापन के भाव से बचें, कि मैं करता हूँ, हम क्या करते हैं, मैं तो करता हूँ, क्या करता हूँ, हमेशा गलतियां करता हूँ, और यही मैं कर सकता हूँ, इसमें मेरी क्या गलती, मेरा क्या दोष, मैं इतना ही जानता हूँ। तो बाप जी के चरणों में प्रार्थना है, समय का अभाव है, अभी अंधेरा हो जाएगा तो थोड़ा देरी हो गई आने में, फिर कभी यह मौका मिलेगा तो बाप जी की, बाप जी के भक्तों की, भगत जी की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। जो उनके प्यारे हैं, जो उनके सच्चे सेवक हैं, जिन्होंने उनके हुक्म इन्होंने हुक्म का पालन किया, साधु वेश में पहले ही थे और कई तरह की विद्याएं जानते थे, और आसपास के इलाके में उनकी शोहरत फैल गई थी, कई छोटी मोटी तकलीफें लोगों की दुखों से द्रवित होकर के दूर कर दी थी। जब बाप जी के पास आए तो बाप जी को पूछा, बाप जी ये जो मैंने सीख लिया इसका क्या करूं? बाप जी ने कहा छोड़ दो। उसके बाद में यहाँ रह करके शब्द का अभ्यास किया, यहाँ से 1/2 किलोमीटर दूर पर ऐसा सुंदर दोहरा है, जहाँ पर जाकर के 2-2, 3-3 दिन तक ढूंढने से नहीं मिलते थे, वहां पर जाकर के एकांत में शब्द अभ्यास करते थे। जय जन कीनी शब्द कमाई, तिनकी थैली जग रोशनाई। जिन्होंने शब्द की कमाई की है, चाहे दुनिया लाख विरोध कर ले, निंदा कर ले, अपमान कर दे,
रुकावटें पैदा कर दे, बदनामी कर दे, लेकिन उनकी तो जगत में रोशनी फैल के रहेगी। ये तो महापुरुषों के वचन है। तो यहाँ पे अभी कुछ दिन बाद में बरसी होने वाली है, उनको भी 35 वर्ष हो जाएंगे। तो कौन निमंत्रण देने जाता है? हजारों आदमी उनकी स्वर सुन करके अपने आप आते हैं। उनके गुरुदेव का आशीर्वाद है, उनके उनके जो ना गुरुदेव की आज्ञा अनुसार गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर उन्होंने चलने की कोशिश की तो वे हंस हो गए। तो ये उनकी तपोभूमि है, साधना स्थली है, बाप जी की कृपा है यहाँ पर। और सबसे बड़ी खुशी की बात और है कि एक बड़ा सुंदर मौका और आ गया। इस समय इस काम को शुरू करने की संगठित कोशिश शायद किसी ने नहीं की। अनायास प्रेरणा हुई एक भाई के, और उसने कहा, और अनायास ही शुरू हो गया। ज्यादा तो अभी इसका प्रचार ही नहीं हुआ। ये क्यों हुआ? ये बाप जी की दया है। ये भक्तों का जब शरीर छूटा तो माता जी साहब के कर्ण कमलों से, माता जी साहब तो उनके गुरु ही थे, बाप जी में माता साहब में कोई फर्क नहीं, माँ और बाप तो एक ही होते हैं, और भगत ऐसा मानते थे, और मैं भक्तों का अनुसरण करता हूँ, मैंने ये बात उनसे ही सीखी, पुराने सत्संगियों से सीखने को मिलता है। तो ज्यादातर सत्संगियों में तो ये बात नहीं थी, ये उनकी वो जाने, लेकिन भक्तों में ये गुण दिव्य गुण कूट कूट के भरा था कि वो माता जी साहब और बाप जी साहब को एक मानते थे। एक बार उन्होंने अपने मुखारविंद से भक्तों ने कहा, मैंने सुना और मुझे याद है, भक्तों ने कहा कि माता जी का मार्ग मेरे यहाँ पर है, माता जी बाप जी का ये राजमार्ग है, यहाँ है, वो सर पर धारण करते थे। तो जब उनका शरीर छूटा तो माता जी साहब दया करके यहाँ पधारे, और इस भीषण सर्दी में यहाँ पे 30 घंटे तक इसी कोने पर विराजमान रहे, भूखे प्यासे। भूख प्यास की कोई संतों के कोई ये कोई उनकी बड़ाई या महिमा नहीं है। उन्होंने अपने कर कमलों से उनको यहाँ समाधिस्थ करवाया। तो यहाँ पे समाधि कैसे नहीं बनेगी? ये जो रुकावटें आई है या इतनी देरी हो गई, ये किसकी वजह से हुई? अपने जैसे जो लोग है ना, अपन लोगों की पात्रता नहीं है, लायक ही नहीं है, अपन किसी अच्छे काम को करने के काबिल नहीं है, तब ये रुकावट आती है। आखिर वो दया करके अपने विरुद्ध विचार करके दया करते हैं और वो रुकावटें दूर करते हैं। और आज उनका माता जी साहब का शताब्दी वर्ष चल रहा है। अब वो माता जी साहब का शताब्दी वर्ष समापन पर है। बहुत से सत्संगियों को मैं प्रेम से निवेदन करता हूँ, शताब्दी वर्ष में कुछ अच्छे काम, गरीबों की सेवा के काम, गरीबों की सेवा के काम, कोई भले काम, बाप जी की महिमा के काम, बाप जी की जन्मभूमि, भगवान राम की जन्मभूमि को युग बीत गए और तब भी आज उस जन्मभूमि पर उनके भगवान राम का स्मारक मंदिर बनाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी, लेकिन हमारे गुरुदेव की जन्मभूमि अभी भी सुव्यवस्थित नहीं है। तो उसके लिए किसी को चिंता ही नहीं है, बाप जी करेंगे जब होगा। तो इस शताब्दी वर्ष में जहाँ माता जी साहब ने अपने हाथ से यहाँ समाधि दिलवाई, तो आज उनकी शताब्दी वर्ष में ये काम हो रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिन भाई को ठेका दिया उन्होंने कहा कि 3 महीने की अवधि में बना के दे दूंगा, और आज से 3 महीना और 20 दिन घटते हैं माता जी साहब के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने में। बाप जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि दया करें, हम लोगों की गलतियों को क्षमा करें, हमसे तो ये काम कभी नहीं होगा, कोई भी अच्छा काम नहीं होगा, आप ही दया करके निभाइए। और जैसी आपने दया की कि भक्तों को आपने वो नाम का अमृत पीने को दिया, अपने चरणों का प्रेम का पात्र बनाया, हम भी उनके छोटे भाई हैं, उन्हीं की पंक्ति में पीछे हम भी लगे हैं, वही दया दया करके हम पर भी करें, सभी सत्संगियों पर करें, सभी सत्संगी आपस में खूब प्रेम से रहें, और प्रेम से रह करके बाप जी का सुमरण करने का समय नहीं है, समय तो बीत गया, कब तो सुमरण करेंगे, कब उनको याद करेंगे, कब उनके गुण गाएंगे, कब उनका ध्यान करेंगे, कब उनको घट में प्रकट करेंगे, समय थोड़ा है, इतना करना कम से कम जरूरी है कि जीते जी तीसरे तिल पर बाप जी को प्रकट कर लें। क्योंकि बाप जी का जो कंज गुरु का रूप है, शब्द रूप है, वो कभी फिर मिलेगा तो बिछुड़ेगा नहीं, इसी काम में लगे, जगत के काम आज अगर पता नहीं किसका कितना जीवन है, कल ही हमें से कोई उठ जाए और सबको एक ना एक दिन जाना है। तो ऐसा न हो कि ये काम बाकी रह जाए। यदि आज दुनिया के काम इसी वक्त से थोड़ा कम कर देते हैं और हमारा रहन सहन क्या होगा, साल में 4 नए कपड़े सिलाते हैं, एक से ही काम चला लेंगे, 2 से ही आराम से चलता है, सूखा खा लेंगे, लेकिन यदि बाप जी को प्रसन्न करने का काम नहीं कर पाएंगे तो बाप जी की मेहनत फालतू जाएगी, बाप जी का विरुद्ध लाजेगा और हम तो घोर दुख में पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो बाप जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ये बाप जी दया करें,
हमें भी अपने दया का पात्र बनावे, अपने दर्शनों के काबिल बनावे, अपने चरणों की सच्ची शरण के लायक बना करके शरण बख्शे, गलतियों को क्षमा करें और गलतियों से बचावे। कुछ नहीं बनेगा तो दया करके हमें अपनी दया से जो काम आपको प्रिय हो वो करवा लें। हमें तो ये भी नहीं पता कौन सा आपको प्रिय है, हम तो आपसे धन दौलत भी मांग लेते हैं, हम तो आपसे जो हमारा विरोधी है उसका नुकसान करने की प्रार्थना भी कर लेते हैं। हम तो महामूर्ख हैं, नादान हैं, अज्ञानी हैं, अपराधी भी हैं, कुटिल भी हैं, कपटी भी हैं, क्या क्या दोष नहीं है। तो इन सभी गलतियों के लिए बाप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थना के साथ यही प्रार्थना कि बाप जी दया करें, सभी सत्संगों के अंदर अपने प्रेम का अंकुर फूटे, ऐसी दया करके उसी प्रेम को बढ़ावे और हम सब आपस में भी प्रेम से रहें और गुण गावे। बाप जी के वचन हैं, अपने बाप जी के वचन भरोसा होना चाहिए। बाप जी ने कहा, घर का नमूना दिया कि एक घर में 5-7 सत्संगी हो, सभी सत्संगी हो घर के सदस्य, और मिलजुल करके एक दूसरे को सहायता देते हुए, एक दूसरे के परमार्थ में मददगार बनते हुए जब मालिक के गुण गाते हैं, सुमरण करते हैं, बाप जी की महिमा को याद करते हैं, उनकी सच्ची शरण लेते हैं, तो वो घर गोया सतलोक का नमूना है। ये शब्द बाप जी के हैं, किताब में छपे हैं, टेप में, और हम सब ने सुने हैं। तो अपन क्यों नहीं अपना घर भी स्वर्ग सतलोक का नमूना बना लें और बाप जी के जो दरबार है, जो सत्संगियों का समाज है, इसको भी जब सभी प्रेम से रहेंगे तो सतलोक का नमूना। सतलोक में यहाँ में फर्क क्या है, सतलोक में बाप जी का प्रेम भरपूर है और सिवाय प्रेम के कुछ नहीं है, और यहाँ प्रेम देखने को नहीं मिलता और बाकी सब चीजें हैं, तो बस इतना ही तो फर्क है। तो बाप जी से प्रेम की भी के साथ ये रहा।